Sanjay Dutt! Of course, Sanjay sir ke saath, there are wonderful actors who are now part of this franchise for the first time. Again, adjectives kam padte hain inke liye to dip. And of course, Chitrangada, Deepak sir, Deep sir. Okay. शुरुआत करते हैं कुछ सवाल मेरे पास भी हैं क्योंकि मैंने भी ट्रेलर आपकी तरह दो बार देखा है राजू सर I'm going to start with you ये तीसरा पार्ट सुनिए राहुल जी एंड राहुल सर एंड तिग्मांशु सर दोनों की बहुत पुरानी दोस्ती लेकिन 2010 में शुरुआत की लेकिन फिर भी कुछ तो बात है इस साहेब बीवी और गैंगस्टर के फ्रेंचाइज में कि यू रिटर्न एवरी सिंगल टाइम टू दिस फिल्म और अब इन ऑलमोस्ट 8 इयर्स 2010 शुरुआत हुई थी 2011 में फिल्म आई 8 साल में इसका तीसरा पार्ट आ गया है व्हाट इज दिस लव फॉर साहेब बीवी और गैंगस्टर दैट यू वांट टू कम बैक एंड डायरेक्ट अ न्यू पार्ट ये बिल्कुल इत्तेफाकन हुआ इसके पीछे कोई प्लानिंग कोई बहुत बड़ा सोच नहीं थी वो ये हुआ कि जब पहली वाली फिल्म बनी जिस तरह से एंड हुई एंड था स्क्रिप्ट में कि वो माही बोल जिमी बोलता ये आदमी कौन है कहता मेरा नया ड्राइवर यानी कि अब नए ड्राइवर के साथ ये शुरू होगा उसका तो वो स्क्रिप्ट में था वो हो गया और जब वो चल गई पिक्चर तो हमने कहा यार ये बड़ा एकदम कहानी खत्म नहीं हो रही यहाँ पे इसमें एक गुंजाइश है इसको फ्रेंचाइज बनाने की तो बन गई तो उसके पीछे ऐसे कोई सोच नहीं थी ये सब डेस्टिनी है ऊपर वाले और हम लोगों की मेहनत है सब और ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला था कि गुंजाइश थी कि स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए राहुल सर अब आपसे पूछना है गुंजाइश स्टार्ट हुई रणदीप हुड्डा के साथ पहली वाली में फिर आए इरफान खान देन यू वांट टू मेक द थर्ड पार्ट कितना मुश्किल या आसान था टू कन्विंस दिस जेंटलमैन हियर टू प्ले द गैंगस्टर इन द थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था उसके पीछे दो कारण है एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुझे अपने छोटे भाई कितना ट्रीट करते हैं तो एक कंफर्ट लेवल था दूसरा आई थिंक इनको मालूम था द वर्ल्ड ऑफ साहेब बीवी गैंगस्टर हमने जब पहली दफा मैंने बात करी हमारे पास कहानी भी नहीं थी आ रहे थे तो एक कंफर्ट लेवल था और उसके बाद जैसे ही कहानी बनी इन्होंने तो पहले दिन से यहाँ कर तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था ऑल्सो आई थिंक बिकॉज अगर आप देखें तो गिनती के फ्रेंचाइज हैं हमारी इंडस्ट्री में कुछ 10-12 होंगे शायद उंगलियों में गिन सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज्यादा से पिछला पार्ट खत्म जाते हैं कहानी बदल जाती है
तो इनको मालूम था कि ये वैसा फ्रेंचाइज नहीं है, सही मायने में फ्रेंचाइज साहेब बीवी गैंगस्टर ही है। तो और ये साहेब बीवी की दुनिया में उतरे और इनसे बड़ा गैंगस्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। आई थिंक अब उनको माइक दे देते हैं बिकॉज सर फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज फैन ऑफ द एंटी हीरो दैट यू हैव प्लेड। आई मीन आप खलनायक की बात करें, आप कांटे की बात करें, प्लान की बात करें, मुसाफिर की बात करें, आपने इतनी सारी फिल्मों में एंटी हीरो प्ले किया है, फिर भी जब स्क्रिप्ट आती है आपके पास एंड यू नो दैट यू आर प्लेइंग एन एंटी हीरो, आप क्या करते हैं उसमें कि हर बार यू कम अप विद समथिंग सो मेमोरेबल? जैसे इसमें भी आपके जो डायलॉग्स हैं, जो एंड में पंच है, या पूरी जिंदगी का मजा लेने वाला हूं, क्या चलता है आपके दिमाग में कि मैं इसको कैसे अलग तरीके से अप्रोच करूं? पहले तो डायलॉग्स और स्क्रिप्ट तीशू ने लिखी और कमाल के डायलॉग्स लिखे हैं, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन शायद गैंगस्टर मेरे अंदर ही है। आई मीन और लोगों ने काफी कहा भी था जब से मैं निकला था जेल से कि एक गैंगस्टर चाहिए, तो और ये पॉलिश्ड गैंगस्टर है, खानदानी आती है, तो बहुत मजा है। थैंक्स चित्रांगदा, यू आर नाउ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फ्रेंचाइज। ऑफ कोर्स संजय सर का नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, देयर इज तिग्मांशु, देयर इज राहुल, देयर इज राजू सर। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपकी पहली फिल्म हजारों ख्वाहिशें ऐसी वाज आल्सो अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, जिसमें समझ नहीं आ रहा था आर यू ग्रे आर यू ब्लैक और व्हाइट, लेकिन इसमें भी मेरे को सेम समझ नहीं आ रहा है। नॉर्मल नॉर्मल पीपल, दैट्स हाउ वी ऑल आर, aren't we? सो व्हाट इज प्लेइंग अ ग्रे कैरेक्टर कूलर देन प्लेइंग अ गुड कैरेक्टर और अ बैड कैरेक्टर आउटराइट? आई थिंक इट्स स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग व्हेन यू आर बीइंग रियल, यू नो, बिकॉज इफ यू आर ऑल द टाइम गुड और ऑल द टाइम बैड, एक तो वो परफेक्शन गेट्स अ लिटिल बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फिल्म is so interesting and hum teesri tak yahan par shayad isliye pahunche hain, people have loved it so much because people enjoy watching the gray, you know, because I think those so many thousand shades of gray that we have are far more interesting than the black and white, and yeah, I think you will see that, you just saw that in the yes, trailer, yes, so yeah. Deepak sir, first of all wo inhaler wali cheez bahut zaruri thi mere liye, so I want to ask you, ab you've been a part of the industry for 2 decades and more, aap itne time se kaam kar rahe hain, main puchna chahta hu 90s mein this man stardom was somewhere else, hum log sun ke aaye hain, we have heard tales, now when you worked on a set on a film inke sath, ye jo 2 decades mein aapne difference dekha hai in maybe Sanjay Dutt the human being, the person, baatcheet hui set pe is bare mein? I'm sure hui hogi. Sanju and me go back into 90s, and I've always loved this man, his incredible life, and of course now we're all witnessing it, but he's always been the great person and the great friend that he was in 90s, and so when we met after so many years on the set again, the magic was absolutely there. It was like we never really passed those years that we never met. It was all taking it back as if we were just together yesterday. So that, I think that's amazing about Sanju, which was wonderful. He made me feel so comfortable and so loving, and it was absolutely great. And I'm absolutely thankful to, you know, be a part of this franchise again, which is absolutely a shocker because main Tishu ke paas chai bhi nahi gaya tha. Aise because I've always loved his work, and I dad thodi bada li thi, and I just went over there, and then, you know, while he was talking to me, he said kuch photographs le li baat karte karte apne phone mein, and then he and Rahul bhai suddenly sat together, and one fine day I get a call that, you know, there's this movie that we are making and it's a franchise with Sanju and you are to play his younger brother. So I say it's like almost like a dream come true, you know, I'm working with the best guys that I want to work with and I'm getting to play Sanju's younger brother. So I think it was wonderful. I'm thankful to Raju ji also and everybody out here who's made me a part of this franchise. Thanks a lot. तो अराउंड 12:15 हम नीचे खड़े हुए थे एंड वी वर जस्ट वेटिंग, एंड उस टाइम पे दीप सर जो है उन्होंने एंट्री मारी। आई थिंक 8 साल में मैंने पहली बार उनको हंसते हुए देखा था, बिकॉज़ आई थिंक ही स्टिल इन कैरेक्टर। थैंक यू सर, प्लीज हंसिए। सर सीरियस रोल, ये टिशू सर ने आपको जो रोल दिया है राइट फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, सर इतने कम डायलॉग्स होने के बावजूद, बिकॉज इसमें आपका जो कैरेक्टर है वो उतनी बात नहीं करता है जितनी शायद बाकी सारे कैरेक्टर्स, बट ये सो मेमोरेबल, आप टिशू सर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज ये एक डायरेक्टर की सोच
without dialogues itne sare, somebody so memorable? Tishu ko main bahut saalon se janta hu aur Saheb Biwi Gangster mein maine mujhe pehli baar mauka mila Tishu ke sath kaam karne ka aur main bahut bada fan hu Tishu ka to ye role mujhe mila to वैसे जब बताया गया तो ऐसे ही था कि साहेब का हंचमैन है तो मैंने किया मैं मुझे टिशु के ऊपर पूरा ट्रस्ट था मैंने दिलो जान से वो रोल किया टिशु ने जैसा करवाया मैंने वैसे ही किया और बाद में उसका वो इम्पैक्ट आया वो डायरेक्टर का कमाल है और मेरा कुछ नहीं वंडरफुल ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं तो अब आई एम श्योर के बहुत सारे सवाल यहाँ से आने वाले हैं तो ये एक चीज मैं हमेशा फॉलो करता हूँ सो शुड आई स्टार्ट लाइक हाउ आई ऑलवेज स्टार्ट आलोक फिल्म हिट होती है भाई फिर तेरे से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो यस 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 इट्स ट्रू जिस ट्रेलर लॉन्च में मैं हूं और आलोक हमेशा राइट या लेफ्ट में बैठा होता है दैट फिल्म इज ऑलवेज सक्सेसफुल आलोक सवाल आपका सबसे पहले तो ट्रेलर के लिए बधाई बेहतरीन सा ट्रेलर है सो उसके लिए बधाई देता हूँ बाबा गैंगस्टर के रोल में इसमें जाने के लिए क्योंकि आपको पता था ये तीसरी फ्रेंचाइज की फिल्म बनानी है क्या तैयारियां आपकी थी और थोड़ा शूटिंग का प्रोसेस बताएं जब आप शूट कर रहे थे तैयारी भी कुछ भी नहीं थी मैं जो टिशु ने कहा वैसे ही किया और क्योंकि गैंगस्टर बेसिकली ये फ्रेंचाइज में इन्होंने पैदा किया है तो इनको एक्चुअली मालूम है तो वो मैंने इतनी तैयारी नहीं की जो सेट पे हुआ जो टिशु ने कहा वैसे ही किया और दूसरा सवाल क्या था आपका जो शूट का प्रोसेस था ज़रा वो बताएं शूट का प्रोसेस बहुत बहुत कंफर्टेबल था थैंक्स टू राजू जी एंड राहुल माहौल बहुत ही प्यारा था कोई टेंशन नहीं थी कोई मज़ा आ रहा था सबको तो बहुत बहुत अच्छा माहौल एंड टिशु सर बाबा की एंट्री से कितना एनहेंस हुई है ये फ्रेंचाइज और इनके साथ काम करना कैसा रहा अगर आप थोड़ा शेयर करें नेचुरली बाबा के आने से फ्रेंचाइजी तो बढ़ी है उसमें कोई शक की बात है नहीं देखिए गैंगस्टर जो साहेब बीवी गैंगस्टर में क्या है कि साहेब और बीवी तो मेरे कंपल्सरी ब्लाइंड है वो तो होते ही और गैंगस्टर बदलता रहता है पहले रणदीप थे फिर इरफान थे अब बाबा हैं सबसे मुश्किल जो होता है इन तीनों में रोल वो एक्चुअली गैंगस्टर का ही है क्योंकि साहेब बीवी के सारे मोटिवेशंस उनके सारे कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर ऑलमोस्ट द सेम और मेरा जो इस पिक्चर में गैंगस्टर है वो वैसा कोई गैंगस्टर नहीं कोई रूथलेस बैड आदमी नहीं है ये बहुत पेन लेके कैरेक्टर चल रहा है किसी को बहुत बेइंतहा चाहता है और फिर चाहत आपसे क्या करवाती है किस लेवल पे लेके जाती है उस किस्म का है तो ऐसा ब्लैक गैंगस्टर नहीं है वो कत्ता ही नहीं है रुलाता ये गैंगस्टर और जहां तक इनके साथ काम करने का सवाल है मतलब कईयों के साथ काम किया है मैंने भी कई कहानियां सुनी थी यार संजय दत्त के साथ काम करो एक काम करना कि थोड़ा तुम पहले से कुछ शॉट्स ले लेना वो आते नहीं टाइम आए कुछ और कहानियां बताइए सर खुद ही बता देते हैं सर कहानियां बताइए ऐसा कत्ते ही कुछ नहीं था एकदम वक्त पे और सबसे अच्छी बात जो मैंने और किसी एक्टर में देखा बिल्कुल मॉनिटर नहीं देखते ये शॉट दिया और डायरेक्टर ने अगर ओके कर दिया तो कितना ये मतलब इनको एतबार है डायरेक्टर पे कि खुद इतनी फिल्म है कि हमसे तो सबसे हम लोग सबसे सीनियर इंडस्ट्री में 50 कितनी फिल्में की हैं लेकिन कभी भी नहीं अगर वो उन्होंने डायरेक्टर से कहा डायरेक्टर पूरा इस बार है कि डायरेक्टर ने ठीक किया कभी आके जाओ और एक्टर करते यार एक बार दोबारा ले लेते हैं यहाँ पे मैं ठीक नेवर रियली अप्रिशिएट दैट एंड राहुल जी आप भी बताएं आप तो बाबा के साथ एक और फिल्म कर रहे हैं तो थोड़ा उसका भी जिक्र कर दें एक साथ हम लोग एक और फिल्म कर रहे हैं साथ में जिसका नाम है टोरबाज उसकी शूटिंग किर्गिस्तान से करके हम लोग अभी लौटे हैं बाकी तो क्या बोलूं जैसे तिग्मांशु ने कहा कि बहुत मजा आया और मुझे लगता है सबसे ज़रूरी जो चीज़ है फिल्म मेकिंग में कि जब तक आनंद आना चाहिए वो मज़ा आना चाहिए अगर टेंशन में आप फिल्म बना रहे हैं तो चलेगी नहीं एंड दैट इज़ द रीज़न कि कोई आउटसाइडर जब आते हैं तो आई थिंक किसी को भी मालूम पड़ जाता है बस से ये पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी तो आप सब लोगों का गुड विशेज चाहिए इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रोसेस मेकिंग दिस थैंक यू आलोक और सवाल हाय सर कई फिल्मों में आपने गैंगस्टर की भूमिका निभाई है वास्तव कल्ट फिल्म मानी जाती है तो आपके लिए क्या एक कंफर्ट जोन था इस फिल्म में काम करना क्योंकि आप गैंगस्टर की भूमिका बहुत फिल्मों में निभा चुके हैं कंफर्ट लेवल मतलब
मैं पिक्चर ही नहीं करूंगा अगर कंफर्ट लेवल नहीं रहता. और जैसे तिशु ने अभी कहा है कि बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है एक्चुअली, और चाहत के लिए वो किस हद पे पहुंच जाता है, तो ये इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये गैंगस्टर का. तो बेसिकली मुझे बहुत मजा आया. सर एक सवाल और कि हाल ही में संजू फिल्म रिलीज हुई है, आपने देखी यशराज स्टूडियोज में जाके, कैसी लगी आपको फिल्म? क्या कुछ कहना चाहेंगे रणबीर कपूर के परफॉर्मेंस के बारे में? सब लोग तारीफ कर रहे हैं रणबीर. संजय सर. नहीं, रणबीर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन द फिल्म. आई थिंक द फिल्म इज फैंटास्टिक फॉर राजू जी, राजू हिरानी एंड विकी कौशल, एवरीबॉडी इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. और जो सच्चाई है वो ही पेश की गई. सर एक छोटा सा, मीडिया बैशिंग काफी की गई है, इसकी चर्चा काफी हो रही है कि इसमें मीडिया की आलोचना काफी की गई कि आपकी जो इमेज थी वो खराब की गई, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? वी रिक्वेस्ट मीडिया टू कीप पोर्टेनिंग दिस फिल्म, दूसरी फिल्म के बारे में यहाँ पे प्लीज ना बात करें. सर अगर आप कुछ कहना. थैंक यू. थैंक यू. मोर क्वेश्चंस? यस, फ्रॉम दिस साइड. तो ये आपने सुनील दत्त साहब से सीखा था जब आपके साथ काम कर रहे थे, तो आपका 11 बजे का टाइम था और वो जल्दी आके पूछते थे हीरो आया कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे? वो कहते थे हीरो आया कि नहीं, लेकिन हीरो आता ही नहीं था. लेकिन हाँ, मैंने बहुत बहुत कुछ सीखा उनसे. यस मैम. संजय सर, वी सी यू इन मेनी डिफरेंट रोल्स, यू डिड भूमि विद अ डिफरेंट जॉनर एंड नाउ दिस विद अ डिफरेंट जॉनर, सो व्हिच काइंड ऑफ जॉनर यू पर्सनली लाइक? आई लाइक टू प्ले माय एज नंबर वन, एंड आई लाइक टू डू कमर्शियल सिनेमा, एंड आई लाइक all genres, action, comedy, जो भी है. हेलो सर, मेरी क्वेश्चन थी डायरेक्टर सर राहुल सर से कि ये जो आपने मूवी जो नेम फ्रेंचाइजी है your scenes with Sanjay, were you intimidated? How comfortable were you with him? Because he makes everybody comfortable. I've told you this, but I've been a bit of a fan of him. So yes, I think the thought was very intimidating, but just as sab log kehte hain, is absolutely right that when I was on sets with him, I think he's one of the nicest human beings that I've met. He just makes everybody so comfortable, and it's just been such a pleasure working with him. It's been wonderful. Chitrangada, over here. You are acting in this film, and also you have turned a producer. So, what is more challenging for you now? I think producing, and he will agree, because ये भी एक इन्होंने भी act करा है इस film के अंदर, और ये producer भी हैं. So, I think he will also agree. Producing is completely different. Yeah. So, next film will you cast Sanjay Dutt? I should ask him. Will he act with me in the next film? That should be the question. Baba, I want to know your experience in this movie as a gangster. It's been an amazing experience. I mean, जैसे मैंने अभी भी कहा आपसे कि it's a very emotional character actually. तो एक मतलब दूसरे level का character है और मुझे बहुत बहुत मजा आया. I have a question. शायद आप साहिब के साथ अपने सीन्स कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी याद रह जाता है कि वो साहिब एक टाइम पे जहीर का रोल भी कर चुके हैं आपके साथ, राइट? ऑफ कोर्स. सो जस्ट नीड टू आस्क यू, जब वो टाइम आप याद कर रहे हैं 2003 में जब वो फिल्म आई थी, मतलब मोमेंट्स दैट यू वर लाइक रिविजिटिंग विद जिमी? ऑफ कोर्स, आई मीन वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक अबाउट इट, और वी हैव वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज, क्योंकि मुन्ना भाई MBBS में उसको मुझे एक थप्पड़ भी मारना था, और उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था वो थप्पड़ मारना, बट आई मेड हिम डू इट, यू नो, ऐसा कि मारना ही पड़ेगा यार तेरे को. सो आई मीन इट वाज, आई ऑलवेज लव जिमी एंड इज अ ग्रेट एक्टर, लव्ड वर्किंग. थैंक यू.
Alright. जी, यहाँ से एक सवाल है. देखो सर, मैं पढ़ा लिखा डायरेक्टर हूँ. अखबार पढ़ता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ. तो जिंदगी का एक्सपीरियंस तो यही हो गया फिल्म मेकिंग. उसके पहले जब नहीं था तो और एक्सपीरियंस था. उस एक्सपीरियंस से कुछ फिल्में बनाई. अभी पढ़ के यहाँ से वहाँ से मैं बहुत, मुझे बहुत ज़्यादा सिंपल कहानी कहने आता नहीं है. मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मेरे में होता ही होता है. तो इसलिए वैसे कुछ चलती है कुछ नहीं चलती है. बट इस वाले में सारे कैरेक्टर्स, क्योंकि पहले से भी वही सिलसिला है कि बहुत ट्विस्टेड कैरेक्टर्स हैं. और आजकल समाज ऐसा हो गया, लोगों को ग्रे कैरेक्टर ज़्यादा पसंद आ भी रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी. विल टेक वन मोर क्वेश्चन. यस मैम. ये मसाला क्वेश्चन. अरे बहुत बहुत एक्टर्स हैं. आई मीन सलमान अच्छा करता है. आई थिंक रणवीर सिंह बहुत अच्छा करेगा. एंड आई थिंक इवन रणबीर अभी, यू नो, आई थिंक वो बॉडी लैंग्वेज वो सब है इन लोगों में. एंड दैट्स इट. ऑलराइट, सारे सवाल पूछ लिया मैडम आपने. ओके, लास्ट एट. Can we please stick to the film? Thank you. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for being a part of this wonderful afternoon. Of course, it's a brilliant franchise. लेकिन अब मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पागलपन बचने वाला है, because आप फोटो खींचना चाहते हैं. But once again, one last time, from the makers of Saheb, Biwi or Gangster 3, thank you so much for being a part of this. Group photos. ये भाई जरा ये ले लिया. ये कृष्णा जरा ले लिया. ले लिया. बंद हुआ ऑडियो वाट लगा. बड़े पूरा ऑडियो की मावेरिक कर दिया. ये भाई ये कोने कहीं जाने वाले भी रुकते नहीं दिल में. आने जाने वाले को देख हजारों आगे. भाई भाई केबल दे देना. ओके, 100 रुपये बचा. सौ रुपये.